देखो अब एक्सरसाइज है 9.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट फाइव अर्थमेटिक मेन बिटवीन 8 एंड 26। फाइव अर्थमेटिक मेन आपको इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में। क्या करेंगे, लेट अज्यूम कर लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव क्या है, अर्थमेटिक मेन है बिटवीन 8 एंड 26। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 8 a1 a2 a3 a4 a5 and 26 किस में हो जाएंगे, ए पी में हो जाएंगे। अब डी हम कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं, यहाँ पे ए क्या है आपका 8 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 है, और जो लास्ट टर्म सेवन्थ टर्म क्या है 26। तो ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए वन क्या है, ए प्लस डी 8, ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, ए फोर है ए प्लस 4d, ए फाइव है ए प्लस 5d। आपके पास ए की वैल्यू है डी की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो, ये आपके ए वन ए टू ए थ्री आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 11 14 17 20 23, ये आपके अर्थमेटिक मेन हो जाएंगे 8 एंड 26 के बीच में। अब नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा रही हूँ, सेकेंड ऐसा ही है। देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 35 सच दैट सेकेंड मीन रेशियो लास्ट मीन इक्वल टू 1:4 फाइंड एन। क्या है, एन अर्थमेटिक मीन है 5 और 35 के बीच में, और सेकेंड मीन है और लास्ट मीन है उसका रेशियो गिवन है 1:4, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखो ए वन ए टू ए एन क्या है, एन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 5 एंड 35। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 a1 a2 an and 35 ये क्या हो जाएंगे आर ए ए पी। डी हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ए वन ए टू ए एन तो इंसर्ट किए हैं प्लस फर्स्ट टर्म मिलाए, तो यहाँ पे एन प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगी एन प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन प्लस 2 आपके पास। तो टी एन प्लस 2 टर्म क्या है 35, ए प्लस फॉर्मूला लगा देंगे हम एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, ए की वैल्यू 5 है प्लस एन प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30/n+1। अब हमें सेकेंड मीन और लास्ट मीन का रेशियो गिवन है, तो सेकेंड मीन क्या हो जाएगा ए टू, ए टू क्या होता है ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 5 पुट कर दो, डी की वैल्यू है 30/n+1, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 5n+65/n+1, और लास्ट मीन क्या हो जाएगा ए एन ए प्लस एन डी, ए एन क्या हो जाएगा 5 प्लस n into 30/n+1, तो सोल्व किया तो क्या हो जाएगा 35n+5/n+1। अब रेशियो क्या गिवन है 1:4, तो ये आपने ए टू और ए एन निकाले हैं, यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे रेशियो में ले लेंगे, इक्वल टू 1/4 कर देंगे। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व करके एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17।